उसने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने उसकी अमोनिया पाइपलाइन को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। रूस की यह पाइपलाइन यूक्रेन के खार्किव से होते हुए दक्षिण में ओडेसा तक जाती है, जिससे रूस दुनिया को अमोनिया एक्सपोर्ट करता था। हालांकि जंग शुरू होने के बाद से यह पाइपलाइन बंद पड़ी है, लेकिन रूस ने दावा किया कि खार्किव में यूक्रेन के हमले के बाद से पाइपलाइन से अमोनिया लीक हो रहा, जो कि इलाके के लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन रूस की यह पाइपलाइन दुनिया को भूखा भी मार सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की शर्त है कि जब तक उसकी ये पाइपलाइन फिर चालू नहीं हो जाती, तब तक वो भी यूक्रेन के साथ अनाज डील को रिन्यू नहीं करेगा। पिछले साल जुलाई में यूएन और तुर्की के काफी मनाने के बाद रूस ने यूक्रेन के साथ करार किया था। वो काला सागर के बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज को एक्सपोर्ट करने का रास्ता देने को तैयार हो गया था, जबकि उससे पहले तक काला सागर में तैनात रूस के जंगी जहाज यूक्रेन को उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं करने दे रहे थे। अब अगर रूस अपनी अमोनिया पाइपलाइन को शुरू करने पर अड़ गया तो एक बार फिर दुनिया में हाहाकार मचना तय है। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में बोरवेल में फंसी एक 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची ने करीब 40 घंटे पहले ही दम तोड़ दिया था। बताया गया कि 2 दिन पहले बच्ची खेलते खेलते 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी, जिसका कई घंटों तक रेस्क्यू किया गया, लेकिन बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की करीब 40 घंटे पहले ही दम घुटने से मौत हो गई थी। सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है बच्ची की। इससे पहले बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमों ने लगातार कोशिश की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बच्ची की हलचल कम होने की खबर आई, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए रोबोट का सहारा लिया। पहले कैमरा डालकर स्कैनिंग की गई और फिर रोबोट को कंप्यूटर से ऑपरेट करके अंदर डाला गया, लेकिन बच्ची जब बाहर निकली तो उसकी जान जा चुकी थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस ने दावा किया कि नोवाकोकोव का बांध टूटने के बाद बाढ़ में डूब रहे यूक्रेन के खेरसोन में चप्पे चप्पे पर मौत मंडरा रही है, क्योंकि वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगें बाढ़ की वजह से अपनी जगह से हट गई हैं और पानी में तैर रही हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके सैनिकों को मौत के घाट उतारने के लिए रूस की फौज ने खेरसोन में ये बारूदी सुरंगें बिछाई थी। और रेड क्रॉस ने चेतावनी दी कि खेरसोन में आई बाढ़ में वो बारूदी सुरंगें बह गई हैं। 2 दिन पहले खेरसोन में यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना नोवाकोकोव का बांध तबाह हो गया था। उसके टूटने की वजह से वहां बाढ़ आ चुकी है, और रेड क्रॉस के साथ यूक्रेन ने भी दावा किया कि बाढ़ का पानी लैंडमाइनों को भी अपने साथ बहाता ले जा रहा है। अब ये पता ही नहीं चल पा रहा कि वो कहां बिछाई गई थी, यानी खेरसोन में जगह जगह मौत तैर रही है, क्योंकि अगर बारूदी सुरंगें पानी में बहते मलबे से टकरा गईं तो ऐसा भयानक धमाका होगा कि लाशें ही लाशें मिट जाएंगी। और खतरा सिर्फ खेरसोन में रहने वाले लोगों को ही नहीं है, बल्कि उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए पहुंचने वाले राहत कर्मियों को भी खतरा है। इस बीच बाढ़ से जूझ रहे लोगों की खबर लेने खेरसोन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि खेरसोन में नोवाकोकोव का बांध को तबाह हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन अब तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं दी है। और इसी बात पर ज़ेलेंस्की ने हैरानी जताई और जर्मनी के कुछ अखबारों को दिए इंटरव्यू में कहा कि काफी वक्त बीत जाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस के अधिकारी और बचाव कर्मी खेरसोन नहीं पहुंचे, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की कोई मदद नहीं की है। ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रवैये पर नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन इसके साथ ही उनसे तुरंत यूक्रेन की मदद करने की अपील भी कर डाली। वैसे इस दौरान भी ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाने का मौका नहीं गंवाया। उन्होंने दावा किया कि रूस खुद तो खेरसोन के लोगों को बाढ़ से बचा नहीं रहा, ऊपर से उसके सैनिक लोगों की मदद कर रहे यूक्रेन के बचाव कर्मियों पर भी गोली चला रहे हैं।